मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ द पाकिस्तान के नाल मैं आज आया हूँ। एक पिंड जिहदा नाम है उस्मान खट्टर। उस्मान खट्टर पिंडी तो अगर तुसी टैक्सले आओ, टैक्सला तो तुसी अगर पंजा साहब वास्ते एक शॉर्टकट रस्ता निकलना सी। उस्मान खट्टर जिथे कि पत्थर का सब तो ज़्यादा काम हुंदा सी और पत्थर जिहड़ा है पत्थर ज़्यादा कड़िया जाता सी और इतों पत्थर जिहड़ा है वह पूरे हिंदुस्तान सप्लाई हुंदा सी। जिहड़ा ग्रे स्टोन कहिंदे ने जिहनूं जिहदे नाल सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का तमाम दे तमाम जिन्हें भी स्टैचू ने सारे वो इत्थे नज़दीक एरिए ही बने ने और मेरे नाल बहुत ज़्यादा सारा एरिया है। सिरिकप है, जिकारा स्टूपा है, यानी कि तकीशाला जिहड़ा पुराना तकीशाला सी उहदे तमाम आसार जिहड़े ने इस पिंड के आले दुआले सारे पासे जिहड़े ने फैले पए ने और इसकी अहमियत है वे कि इस सिखां का बहुत वड्डा पिंड सी। प्री पार्टीशन इत्थे सिख बहुत ज़्यादा होंदे सन और खत्री बहुत ज़्यादा होंदे सन। उन्हां दे फुटस्टैप्स मैं तुहानूं दिखांदे होया मैं कुछ सिखां दीआं दुकानां दिखाना वा और बाज़ार दिखाना वा। पिंड दे अंदर छोटा जिहा बाज़ार सी लेकिन इत्थे बड़े मजबूत स्ट्रक्चर ने कि जिहड़े 1890 तो लैके 19 तक बने ने, मतलब कि 19 तो 20वीं सदी दे बने हुए ने लेकिन अज भी इस तरह ने कि जिस तरह बिल्कुल फ्रैश ने। शाह जी आओ ਇਹ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਖੱਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਉਸਮਾਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਖੱਟਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੋਪ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਛ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੇਮ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵਿਲੇਜ ਉਸਮਾਨ ਖੱਟਰ, ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੋਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਾਣ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਦੇ ਬੰਦ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੀਰੀਅਡ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਜ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਸਿੰਘ, ਤਮਾਮ ਪੇਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਖੱਟਰ। ਕੱਲ੍ਹ
देखो कोई भी चीज़ है कितने भी है मैं बार बार रिपीट करना वा उसकी तारीख जड़ी है वो ख़त्म नहीं की जा सकती। ए देखो जिहड़े लोग सिख आर्कीटेक्चर नूं जानते ने या जिन्होंने पुराना सिख आर्कीटेक्चर देखा वो फौरी तौर पर पहचान लेंगे कि आकार ए दुकाना किन्ना दियां सन। यह देखो मैं दिखा रहा पिंड उस्मान खट्टर सिखा और खतरियां का सब तो बड़ा पिंड पंजा साहब में जाते हुए टैक्सीशाला तो शॉर्टकट जिथे बहुत बड़ा इंसीडेंट भी होया सी उस रेलवे स्टेशन ते जिहदे च हज़ारां की तादाद सिख मारे गए सी। वो जगह भी इत्थों थोड़े जिहे फासले ते वै जदों सिख जा रहे सी ईस्ट पंजाब वल ते ट्रेन दे अगे कुछ लोग आ गए सन ट्रेन रुक नहीं सी रही और गारत गदी शुरू हो गई सी। यह देखो ये है उस्मान खट्टर सिखा खतरिया का मशहूर पिंड। इंसान की सोचता की करता हुंदा हो ही है जड़ा रब नूं मंजूर है सब कुछ उत्थे ही रह जाता। मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान के नाल सेव गुरुद्वारज एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान पंजाब पेज ये है मेरा पाकिस्तान ग्रुप प्यारा ननकाना साहब। यह देखो यह यादा ने ग्रेटर पंजाब दियाँ ये तमाम कार जड़े मैं दिखा रहा वहाँ ये तमाम दे तमाम कार जड़े सन सिखां दे सन। पिंड दिखा रहा उस्मान खट्टर इत्थे पिंड विच खूह खतरियां भी है और उस तो बाद एक छोटा गुरुद्वारा भी है मैं थोड़ी देर बाद तुहानू वो भी दिखावांगा। मोस्टली वो कार जड़े ने जिन्हां दे विच मतलब कि अकोमोडेशन सी सिखां और हिंदुआं दी वो तुसीं देख लो उन्हां नूं अज भी लॉक लगे ने उन्हां नूं अज भी ताले लगे ने और पुराने ताले लगे ने। वो लोग जिहड़ा ये गल कहिंदे ने कि भी पाकिस्तान विच जिहड़ा सिख हैरीटेज या नॉन मुस्लिम दा हैरीटेज जिहड़ा उसनूं बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिता गया या सारा कुछ किया गया। देखो समय इतनी तेज़ी नाल गुजरता है किसी का इंतज़ार नहीं करता वेला किसी की उड़ीक नहीं रखता कि कोई आएगा या मैं संभालेगा या मैं सारा कुछ जिहड़ा वो आके जद जान वाले चले गए पिछे कोई नहीं सी ते हर चीज़ तबाह बर्बाद ही होनी सी। मंदिर ने तो उत्थे कोई पूजा करने वाला नहीं सी ना कोई पुजारी सी जे गुरद्वारा सी तो उत्थे कोई ज्ञानी नहीं सी उत्थे ज्ञान लैण वाला कोई नहीं सी। इस वास्ते ये सारा कुछ उजड़दा जा रहा है ख़त्म हुंदा जा रहा है वक्त दे नाल जे लोगों ने ख़त्म करना हुंदा ते आ चीज़ां कदे दियां ख़त्म हो चुकियां हुंदियां। मैं तुहाड़ा अपना होस्ट बाबा जी देखते रहो सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान सेव गुरुद्वाराज एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान मैं आज दिखा रहा हूँ तुहानू उस्मान खट्टर सिखां और खतरियां का एक मशहूर पिंड।
जो वक्त दे नाल अपने नक्शे चेंज कर रहा, सब कुछ बदल रहा, तो देखते रहो फिर सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारास एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान। फिर मिलेंगे किसी एक नवेकली जगह दे नाल, किसी अछूती याद दे नाल, बड़े लोगों दियाँ हो सकता यादा इस जगह नाल वबस्ता होन, कुछ लोग इत्थे रह के गए होन। मैं जिथे भी जावां मेरा कैमरा, मेरा कैमकॉर्डर मेरे नाल हुंदा, इसलिए मैं कोई भी जगह जड़ी है वो नहीं छड़दा। अज भी मैं एक नमाज़े जनाजा ते आया सी, तो मैं अपने कैमरे नाल लैके आया हूँ। सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान।